नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियां बड़े दमखम से चल रही हैं, वहीं राजनीति में नए नए उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए लाइनें लग चुकी हैं, वहीं राज्य के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 11 जून यानी कि कल विपक्ष पार्टी कांग्रेस के मुखर नेता सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राज्य पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले पायलट के बयान सुन लीजिए। उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना उसका तो। पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब राज्य ने खनन आवंटन किया उसमें चोरी पकड़ी गई तो वापस कर दिया, लेकिन खनन आवंटन हुआ तो था। और इस भ्रष्टाचार के मामले पर मैं अब हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ। साल के 365 दिन मैंने विरोध किया, लेकिन मैंने कभी अपशब्द नहीं बोले, क्योंकि राज्य महिला हैं और उम्र में बड़ी हैं। लेकिन इतना कहते हुए पायलट ने बहुत कुछ कह डाला, इससे राज्य के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राज्य अपनी लोकसभा सीटों पर जमकर मेहनत में लगी हुई हैं। जी हाँ, राज्य झारखंड में कभी मंदिर में पूजा करती हुई नजर आ रही हैं, तो कभी स्थानीय लोगों के साथ मेल मिलाप करती हुई नजर आ रही हैं। 8 दिसंबर 2003 राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन था, जब पहली बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ 13 दिसंबर 2003 अब इस बार विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं और नतीजे किसका साथ देंगे, ये प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। सचिन पायलट अपने ही पार्टी के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा कर रहे हैं, वहीं 11 अप्रैल को राज्य के खिलाफ किया गया अनशन और एक बार फिर राज्य के खिलाफ बयान देना, इससे नतीजे किस तरह पलटते हैं ये जल्द ही तय होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।